हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको बना सिखाऊंगी इंस्टेंट चिकन नूडल्स। इसके लिए जो चीज़ें जाएंगी, सबसे पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। इसके अंदर मैंने नूडल्स लिए हैं, एग नूडल लिए हैं, ये मैंने पतले वाले लिए हैं, एग नूडल्स लिए हैं। आप स्पैगेटीज भी ले सकते हैं और नॉर्मल नूडल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 2 से 3 मिनट में कुक हो जाते हैं। मैंने नमक, काली मिर्च 1-1 टीस्पून और 1 टेबल स्पून ऑयल डाल के इनको उबाल लिया था। वेजिटेबल इसमें जाएगी, मैंने शिमला मिर्च लिया, ग्रीन पेपर लिया है, रेड पेपर लिया है, ऑनियन लिया 1 अदद चॉप और 1 हरी मिर्च ली है। 3 से 4 मैंने लहसुन के जवे लिए, उनको चॉप कर लिया है। बंद को भी लिया है मैंने 1.5 कप। और चिकन स्ट्रिप्स में जाएंगे, मैंने ब्रेस्ट लिए हैं, ब्रेस्ट पीस के 1 कप, और वैसे आप एक या दो ब्रेस्ट पीस ले सकते हैं। धनिया गार्निश के लिए इसमें जो चीज़ें जाएंगी, नमक इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून, ब्लैक पेपर जाएगा 1.5 टीस्पून, 1.5 टेबल स्पून इसमें जाएगी सोया सॉस, कुटा पिसा हुआ धनिया इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून, 1.5 टेबल स्पून इसमें जाएगी टमाटो केचप, 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा लेमन जूस एंड 1 टेबल स्पून इसमें जाएगी हॉट सॉस। अपनी मर्जी से कम और ज़्यादा कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने ऑयल लिया है 3 से 4 टेबल स्पून, ठीक है। इसके अंदर जाएंगे लहसुन के जवे जो मैंने चॉप किए हैं। अच्छा, चाइनीज़ जो कुकिंग होती है वो हमेशा हाई फ्लेम पे होती है, उसके लिए कभी भी लो फ्लेम आपने नहीं करना। और ये जो नूडल्स हैं ये ऑलरेडी तैयार हैं, क्योंकि ये इनको ज़्यादा कुक भी नहीं करना। बिल्कुल थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो रहा है, तो फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। ये अच्छे से खुशबू आने लग गई है, हमारा लहसुन सोते हो गया, थोड़ा सा कलर भी आ गया। इसके अंदर हम चिकन स्ट्रिप्स डाल देंगे। हम 3 से 4 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए, चिकन तकरीबन फ्राई हो रहा है। साथ साथ हम इसमें 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर अभी ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टेबल स्पून सोया सॉस, इसका हुआ धनिया। थोड़ी चीज़ें हम अभी फ्राई करने के दौरान ऐड करेंगे, बाकी हम वेजिटेबल डाल के फिर ऐड फ्राई करेंगे। 1/2 टेबल स्पून हॉट सॉस, 2 मिनट के लिए हम इसको कुक करेंगे। मीठा हम इसके अंदर वेजिटेबल ऐड कर देंगे, इसमें प्याज डाल देंगे, हरी मिर्च, ग्रीन पेपर और रेड पेपर। अब हम इसके अंदर दम भी ऐड कर दें। मैंने 1 कप ऐड किया, 1/2 कप मैंने बचा लिया, क्योंकि मुझे 1.5 कप ज़्यादा लग रही थी। अब हम इसमें सारे मसाले ऐड कर देंगे। नमक का ख्याल रखें आपने, क्योंकि नमक ऑलरेडी नूडल्स में ही मैंने ऐड किया। 1/2 टीस्पून और नमक ऐड करूँगी। फिर मैं थोड़ा सा गार्निश के लिए ब्लैक पेपर रखूँगी। धनिया और 1/2 टेबल स्पून सॉस, हॉट सॉस। दो से तीन मिनट के लिए मैं इनको फ्राई करूंगी, उसके बाद हम इसमें नूडल्स ऐड कर देंगे। ये देखिए, वेजिटेबल बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम इसके अंदर नूडल्स ऐड कर देंगे। फ्लेम मेरा मीडियम है। अब मैं सारी चीज़ें इसमें डाल के इसको मैं फ्राई फ्लेम कर दूँगी इनको 1 से 2 मिनट। ये मैंने ब्लैक पेपर जो बच गया था 1/2 टेबल स्पून मैंने पहले ऐड की थी हॉट सॉस, 1/2 टेबल स्पून वेजिटेबल पे और 1/2 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड करूँगी। 1.5 टेबल स्पून हम हॉट सॉस ऐड कर रहे हैं। आप क्रश जो चिली है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रश वाली, लेकिन वो स्पाइसी हो जाता है, उसके मैं नहीं करूँगी। और लेमन जूस ऐड करूँगी मैं।
और टमाटर केचप। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दो चम्मच देखिए, ज़बरदस्त मेरी तैयार है। देखिए मज़े का टेस्ट लग रहा है, बहुत मज़े का लग रहा है। आप मिक्स कर करनी है और अब मैं इसको फिर गार्निश कर देती हूँ। देखिए ज़बरदस्त इंस्टेंट चिकन नूडल रेडी हो गया है। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आपको मेरी नई रेसिपीज़ मिलती रहे। मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।